ये प्लीज स्क्रीन पर एक ड्रॉबैक है उनके लिए और जैसे कि नीरज जी ने एक्सप्लेन किया रिलायंस इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पर याद रखेगा जो भी ट्रेड जो भी हम बातचीत करेंगे उस खबर के मद्देनजर करेंगे स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर है इस टू सिक्स सेवन थ्री माइनस आई थिंक इस खबर के साथ अब पूरा का पूरा स्कोप नज़र आ रहा है कि रिलायंस अपनी ऑल टाइम हाई प्रोजेक्ट्री की तरफ शायद जाए आपकी अप्रोच इस स्टॉक पे एक बार क्या होगी और अब ये अपने ऑल टाइम हाई से हार्डली सत्तर रुपये नीचे है देखिए जब 2450 के स्तर ब्रेक हुए थे तभी मैंने मैंनेशन किया था कि जो ऑल टाइम हाई सत्ताईस सौ पचास का है रिलायंस को टेस्ट कर सकता है और अब तो बहुत क्लियर हो गया केवल पचहत्तर रुपए की दे रहे हैं और पचहत्तर रुपए के, के मूव देखेंगे तो हम शायद पिछले जो हाई सत्ताईस सौ पचास के वो भी देखेंगे बट अब अब अगर आप बैट ले रहे हैं तब तो आपको सत्ताईस के लिए नहीं लेने आपको तो ये बैट लेना पड़ेगा कि सत्ताईस के लेवल ब्रेक होकर उन्तीस सौ और तीन की रेंज जाएगा इसलिए रिलायंस पे तो हर डिप पे खरीदारी करनी है अभी भी पच्चीस बहुत ही रुपए सपोर्ट है तो पोजिशन तौर पर हर गिरावट पे खरीदारी करिए पच्चीस और करीब करीब तीन हजार के टारगेट सेट करिए देखिए आपकी स्क्रीन आप पे है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे मैं खबर के मद्देनजर बात कर रहा था लेकिन मैंने रिलायंस का जिक्र इसलिए भी किया जो देखिए नीरज जी ने अगर आप देखिए खबर का उल्लेख किया लेकिन इस वक्त बाजार में दो चीजें हो रही हैं। मैं क्या क्यों था कि निफ्टी को हम अवॉइड नहीं कर सकते या फिर आप देखें छोड़ के नहीं जा सकते तो निफ्टी डे हाई पर है एक सौ इकहत्तर अंकों पर हमारे ऑप्शंस ग्रिप में है एच बैंक और रिलायंस दोनों इस तेजी में योगदान देते हुए आज एच बैंक की जो कैंडल बनी है ना याद रखिएगा बहुत स्ट्रांग कैंडल बनी है डिफाइन करती है कि बॉस मैं नीचे टिकने को तैयार नहीं हूँ चलते हैं अब यतिन के पास एक काम करेंगे इस वर्लटाइल सीरीज की क्लोजिंग होने की पूरी उम्मीद है क्या चीज कर रहे हैं वो देखिये दो स्टॉक्स अल्ट्राटेक जहां वो डीलिंग रूम को लगता है कि यहां काफी अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिलना चाहिए 6,700 से लेके 6,750 तक के लेवल जिनको लगते हैं स्टॉक में आपको बी के तरीके से मिलने चाहिए आ, हम देखें तो अक्रॉस द बोर्ड सीमेंट स्टॉक्स में आज बाइंग है और अगर हम दूसरी बात कहें तो अप्रैल पहले हफ्ते में सीमेंट के दाम बढ़ने का अंदेशा है सीमेंट प्राइस हाइक आपको फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में होता हुआ दिखेगा तो उसके पहले पहले जो है स्टॉक पे काफी अच्छी पोजीशन देखने को मिल रही है और इन जनरल हमने देखा है कि जो इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो काफी नीचे आए हैं जिसका फायदा यहाँ फिर से एक बार होता हुआ दिखाई देगा जो पिछले महीने आपको मार्जिन प्रेशर दिखाई दे रहा था शायद वो धीरे 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 आपको वीक ऑन वीक बेसिस पे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है इसके अलावा मदरसन सुमी स्टॉक प्रेशर में है है ने इसको एक्सक्लूड किया है, तो इन जनरल फंड की सेलिंग आपको देखने को मिल रही है। को लगता है कि खरीदारी कर रही है डेढ़ सौ के टारगेट के लिए और अगर हम अप्रिल सीरीज की बात करें तो यहाँ टॉप ओपन इंटरेस्ट गेनर्स में से है और यहाँ लॉन्ग पोजिशन देखने को मिल रही है मदरसन सुमी वन थर्टी सेवन नाइनटी पे अगर आप देखें डिजास्टर सीरीज के बाद स्टॉक अगर आप देखें ऊपर आने की कोशिश करता हुआ और एक और चीज याद रखिएगा जो जिस स्टॉक का यथिन ने जिक्र किया यथिन भी आप देखें उसी फैक्टर पे फोकस करते हुए उसी फैक्टर से फोकस करते हुए एक प्राइस हाइक की बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी और याद रखिएगा या अल्ट्राटेक